नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दमोह जिले से। दमोह जिले में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। जी हाँ, विवेकानंद स्मारक जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जी हाँ, दमोह में एक वर्ष पूर्व बने विवेकानंद स्मारक पर मूर्ति स्थापना के पूर्व ही घटिया निर्माण के चलते अपनी कहानी बयान करने लगा है। पूरे विश्व में भारत को पहचान देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी आज दमोह में अपनी पहचान खोती नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयास से विवेकानंद जी का स्मारक बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका द्वारा निर्माण कराया गया। निर्माण के समय पत्रकार वार्ता भी हुई, गुणवत्ता से स्मारक बनाने की बात भी हुई, लेकिन निर्माण के समय ही चर्चा में रहा घटिया निर्माण की शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर पालिका परिषद एवं जिला कलेक्टर से की गई है। विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत काफी संघर्ष की कहानी है। जब ये तो रहा बनाया गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है ये रहा। आप चूंकि विद्यार्थी परिषद के एक पदाधिकारी हैं, विद्यार्थी परिषद का आंदोलन था और विद्यार्थी परिषद इसमें जब भ्रष्टाचार को पाता है तो क्या कार्रवाई करने की योजना आगे की बनाता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कई वर्षों से अच्छे काम कर रहा है, कॉलेज से लेकर हर एक जगह पर, और इसीलिए अगर चाहे घर पर भ्रष्टाचार हुआ, नगर पालिका के द्वारा जो भी भ्रष्टाचार हुआ, जो भी उनके पदाधिकारी हैं, बड़े हैं अधिकारी लोग हैं, उनके ऊपर हम लोग चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग उसके लिए रोड पर उतरेंगे, ज्ञापन देंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, CM के पास जहाँ तक होगा सब लोग हम लोग करेंगे। अच्छा, क्योंकि आप एक नेता हैं, छात्र नेता हैं, और आप ये जानते हैं विद्यार्थी परिषद भले ही एक ऐसा संगठन हो जिस स्वच्छंद रूप से हो, परंतु सरकार नीचे से ऊपर तक, तो अगर सरकार भी नहीं सुनेगी तो हम किसी की सरकार भी हो हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग का एक संकल्प है कि हम लोग यहाँ पर मूर्ति स्थापना करेंगे, चाहे वो कैसी हो, कुछ भी कारण हो। एक प्रश्न और उपजता है कि जब आपने प्रशासन को भी अवगत कराया, क्या मानते हैं प्रशासन भी कहीं इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, प्रशासन के लिए हम लोगों ने लगभग एक साल हो गया, उसके पहले अब करवाया था मगर उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं मिला है, ना ही उधर प्रसन्न हुआ, सिर्फ मूर्ति वो बनवा दी गई थी चित्र, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी अधिकारी मौन रहे और यह स्मारक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मूर्ति स्थापना के पूर्व भी अपनी कहानी बयान करने लगा। वहीं जब हमने इस संबंध में नगर पालिका CMO का पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने नया पदभार का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया और कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। ये थी दमोह से हमारे संवाददाता राजन असाटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज। पापा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।